वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम आई सिक्सटी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्ट्रिंग 2018 से जिसका टाइटल है ऑर्चर्ड लिमिटेड और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चर्ड लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी यानी अगर इस पर हम कंपनी एक्ट के डिस्कलोजर्स अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा फोर शेड्यूल अप्लाई होगा दो एसेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन क्लास वाइज बिल्डिंग्स और प्लांट दोनों फर्स्ट जनवरी टू को परचेज किए गए कॉस्ट गिवन है ओरिजिनल यूजफुल लाइफ गिवन है डेप्रिसिएशन का मेथड दोनों का स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड की कैलकुलेशन होगी डेप्रिसिएशन की लेकिन बिल्डिंग के लिए रिवेल्यूशन मॉडल है जबकि प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल है फिर बिल्डिंग्स के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि द रिवेल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटर्मिन बाय शबीर एसोसिएट एन इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टी एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन वाज रुपीज़ सेवन हंड्रेड मिलियन एंड रुपीज़ सिक्स फोर सिक्सटी थ्री मिलियन रिस्पेक्टिवली अब यहाँ पर हमें तो ये बात नज़र आती है कि जब से एसेट परचेज पर हुए थे उसके बाद पहला ईयर एंड हुआ थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन को फिर एक ईयर एंड हुआ होगा टू थाउजेंड सिक्सटीन में और फिर एक टू थाउजेंड सेवनटीन को तो ओवरऑल हमें जो नज़र आ रहा है प्रोसेस वो थ्री ईयर्स का प्रोसेस नज़र आ रहा है जिसके बाद आगे काम जाना है सो ऑन थर्टिय जून टू थाउजेंड सेवनटीन यानी टू थाउजेंड सेवनटीन वाले ईयर में जून के अंदर जब एसेट को लिए हुए टू एंड हाफ ईयर हुए थे अब बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज सिक्सटी सिक्स मिलियन वोल टू बाजी सेवन मिलियन ओएल इन प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ रुपीज टू मिलियन ऑन डिस्पोजल तो एक डिस्पोजल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो यहाँ पर गिवन है ओएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल मैक्म पॉसिबल्ट्रॉम रिवेन सप्लस टू रिटर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो ट्रांसफर है वो हमने करना है उसके बाद है कि ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटी द रिकवरेबलस्ड एट रुपीज थ्री सिक्सटी मिलियन विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ तो प्लांट के बारे में ये पॉइंट है कि एक तो टू थाउजेंड सिक्सटीन में यानी जब उसको लिए हुए टू ईयर्स हो चुके थे तो उसकी इंपेयरमेंट को कंसिडर करना होगा क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट उसकी सिर्फ थ्री सिक्सटी मिलियन रह गई है ड्यूरिंग टू थाउजेंड सेवेंटीन ओएल हैज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मैथड फॉर प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस और टू थाउजेंड सेवेंटीन के अंदर जो है वो चेंज इन एस्टिमेट हम कंसीडर करेंगे कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है और अब वो रिड्यूसिंग बैलेंस पर टेन परसेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयरिंग प्रिपेयर फॉलोइंग नोट्स अलॉन्ग विद कम्पेरेटिव फिगर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओ एल फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्थ दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन इसका मतलब है कि हमें टू थाउजेंड सिक्सटी को भी कंपेरेटिव में बनाना होगा डाटा हमारे पास टू थाउजेंड फिफ्टीन का भी है लेकिन वो हमने प्रेजेंट नहीं करना लेकिन वर्किंग उसकी यूज़ होगी क्योंकि 2015 की जो फिगर्स होंगी वो 16 के ओपनिंग के तौर पर यूज़ होंगी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट आई एफ आर एस एंड कंपनीज़ एक्ट जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट भी बनाना है और चेंज इन डेप्रिसिएशन मैथड यानी चेंज इन एस्टिमेट का भी एक जस्ट टू मार्क्स के लिए जो नोट है वो भी बनाना है जिसमें सिंपली हम बताएंगे कि एस्टीमेट के चेंज की वजह से फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा और चेंज किस चीज़ का हुआ था सो so, इसको अब हम कवर करते हैं तो पहले हम फोकस करेंगे बिल्डिंग पर तो बिल्डिंग का जो डाटा हमने जहन में रखना है वो लेकर चलते हैं और फिर बिल्डिंग की वर्किंग करते हैं तो बिल्डिंग्स फर्स्ट जनवरी 2015 को परचेज हुई इनकी कॉस्ट 600 मिलियन है ओरिजिनल लाइफ 30 इयर्स है जो कि चेंज नहीं हो रही आगे कहीं भी स्ट्रेट लाइन मेथड है रिवेल्यूशन मॉडल अप्लाई करना है 2015 के एंड पर रिवेल्यूशन होगी 700 मिलियन पे 2017 के एंड पर रिवेल्यूशन होगी 463 मिलियन पर तो टू रिवेल्यूशन हम देखेंगे उसके बाद थर्टियत जून टू को एक डिस्पोजल है जिसकी इन्फॉर्मेशन ये कि ऑरिजिनल कॉस्ट सिक्सटी मिलियन थी और रिवेल्यूड अमाउंट एटी मिलियन थी और इसको सेल किया गया एटी फाइव मिलियन के लिए 2 मिलियन की डिस्पोजल कॉस्ट भी है यानी जो नेट सेल प्रोसीड्स हैं वो 83 मिलियन की हैं और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर करना है अब अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो 2015 के अंदर सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी और फिर रिवेलुशन करनी होगी उसके बाद 2016 के अंदर प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आएगा 2017 के अंदर पहले हमें मंथ की भी लेनी होगी फिर डिस्पोजल को भी अकाउंट फॉर करना होगा और फिर ईयर एंड पर रिवेलशन भी होगी तो ये स्टेप्स हैं जो हमें इसके अंदर कवर करने हैं और इनको वन बाय वन हम अपनी वर्किंग के अंदर कवर करते हैं तो बिल्डिंग की एक वर्किंग हम बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट जनवरी 2015 से तो हमने एसेट लिया था सिक्स हंड्रेड मिलियन का थर्टी ईयर्स की लाइफ की बेस पर इसकी डेप्रिसिएशन ट्वेंटी की चार्ज होगी तो एसेट हमारे पास रह जाएगा फाइव एटी मिलियन का इस टाइम पर जब हम एस, एसेट को रिवेल्यू करते हैं तो एसेट की क्वेश्चन में वैल्यू बताई हुई है कि जब उसे 2015 के एंड पर रिवेल्यू किया गया तो वो सेवन मिलियन उसकी रिवेल्यूड अमाउंट थी इट मींस कि हमारे पास रिवेल्यूशन गेन आ जाएगा 120 मिलियन का अब इसके बाद हमने इस एसेट को फिर डेप्रिशिएट करना है अब वो रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रिशिएट होगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 29 नाइन ईयर्स की बेस पर जब डेप्रिशिएट करेंगे तो 24.14 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एंड एट दिस पॉइंट थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू को हमारा एसेट 675.86 का शो होगा अब अगर हम देखते हैं तो 2017 के स्टेप पर जाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डिस्पोजल को भी कंसीडर करें क्योंकि डिस्पोज एसेट की भी सिक्स मंथ की डेप्रिसिएशन होगी डिस्पोजल का इफ़ेक्ट भी होगा तो इसके बगैर हम 2017 की प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें अब डिस्पोजल की वर्किंग को भी देखना चाहिए तो जो डिस्पोज बिल्डिंग है उसकी वर्किंग जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि उसकी कॉस्ट सिक्सटी मिलियन है और उस पर डेप्रिसिएशन अगर सेम थर्टी ईयर्स के हिसाब से चार्ज की जाए जैसे हमने यहाँ पर चार्ज की थी तो दैट इज 2.2 और एसेट शो हो रहा होगा 63.8 का और जब रिवैल्यू किया गया था और सारे एसेट्स जो हैं वो 700 के थे तो जो ये टिपिकल बिल्डिंग थी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बताई हुई है कि उस वक्त इसकी वैल्यू 87 थी थी अमाउंट विच मीन कि इसके ऊपर जो गेन आया था वो ट्वेंटी का आया था उसके बाद हम इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे टू की रिमेनिंग लाइफ ऑफ 29 इयर्स पर तो वो थ्री की बनती है और फिर हम चार्ज करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है एटी फोर अब टू थाउजेंड सेवनटीन में इसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी इसकी सिर्फ सिक्स मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बाकी तो सेम रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड है आप अल्टरनेटिवली ये जो कैलकुलेशन है इसको 84 फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी एट ईयर्स भी कर सकते हैं यानी अगर आप रिमेनिंग अमाउंट लेंगे तो लाइफ भी रिमेनिंग लें और अगर आप फुल अमाउंट ले रहे हैं तो फिर जो लाइफ भी है वो उस हिसाब से लें उसके साथ मैच करते हुए लें तो सिक्स बाई ट्वेल्व हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थर्टीय जून को डिस्पोजल हो गया तो हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन 1.5 बनती है और डिस्पोजल डेट पर हमारे पास आ जाता है कि एसेट की वैल्यू 82.5 थी जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है इसकी एक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी जिस दिन इसको डिस्पोज किया गया तो इसकी डेप्रिसिएशन जो पहले वाली थी ये तो एलिमिनेट हो जाती है रिवेल्यूशन के ऊपर तो अब थ्री और वन पॉइंट फाइव मिलाकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि इस पर टोटल डेप्रिसिएशन 4.5 की चार्ज हुई है एक्ूमलेटेड डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल के टाइम पर हम एलिमिनेट कर देंगे अब हम 2017 की भी जो है मूवमेंट को डिस्कस कर सकते हैं तो डिस्पोज एसेट पर तो हमारी डेप्रिसिएशन 1.5 की हम ले लेंगे जो बाकी एसेट्स हैं यानी डिस्पोज़ के अलावा क्योंकि ये 84 का था इस टाइम पर तो 84 को निकाल कर बाकी एसेट्स पर 28 एट ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिसिएशन लेते हैं तो वो 21.14 आती है इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास Uh, 22.64 आंसर आ जाएगा फिर जो डिस्पोजल हमने किया है उसकी वैल्यू भी 82.5 टू पॉइंट पर गिवन है कि एसेट की वैल्यू जो डिस्पोजल डेट पर कितनी थी तो दैट इज़ 82.5 और इसका मतलब है कि हमारा एसेट रिवेल्यूशन से पहले 570.72 पर रिफ्लेक्ट हो रहा था जब हमने फिर रिवेल्यूशन की तो उसमें रिवेलुशन गेन के बजाय अब लॉस भी आ सकता है तो रिवेल्यूड अमाउंट हमारे पास फोर है इसमें हमारे पास रिवेल्यूशन लॉस आ जाता है दैट इज वन ऑफ सेवन पॉइंट सेवन टू तो ये जो वैल्यूज अब हमने वर्किंग की कैलकुलेट की हैं इनको हमने सिंपली अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिकंसिलेशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर देना है तो ये कोई एक टफ टास्क नहीं होगा जब आप ये सारी मूवमेंट अदरवाइज बना चुके हैं तो यही चीज आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के शेड्यूल के अंदर रिफ्लेक्ट करनी है सो लेट्स डू दैट तो पहले एक हम सिंपल फॉर्मेट बना लेते हैं हमारे फॉर्मेट में दो एसेट्स बिल्डिंग और प्लांट होंगे और एक टोटल का कॉलम भी होगा और क्योंकि कंपैरेटिव बनाने हैं तो 2017 के साथ हम 2016 को भी रिफ्लेक्ट करेंगे सो बेसिक फॉर्मेट बनाने के बाद हम अपनी अमाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे पहले बिल्डिंग हमने 700 मिलियन की ली थी इस पर जो uh, 2015 के एंड पर क्योंकि ये रिवैल्यू हो गई थी तो इसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब एलिमिनेट हो चुकी थी दैट वाज जस्ट जीरो 2016 में जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की अभी लास्ट वर्किंग में दैट वाज 24.14 और ये डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 2016 का डाटा कंप्लीट हो जाता है हमें इसका टोटल लेना है और यही जो क्लोजिंग फिगर्स हैं ये ओपनिंग फिगर्स बनती जाएंगी नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि हमने डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना है तो डिस्पोजल जो हमने एसेट किया उसकी कैरिंग अमाउंट 87 थी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और उस पर जो इक्यूनेटी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी दैट वाज 4.5 तो हमने एसेट को भी निकाल दिया और उसकी डेप्रिसिएशन को भी इक्यूनिटी डेप्रिसिएशन से एक्सक्लूड कर दिया अब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ट्वेंटी ये डेप्रिसिएशन अदर एसेट और सिक्स मंथ की डिस्पोज एसेट की जो कंबाइंड डेप्रिसिएशन है उसको हम यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे इसके बाद क्योंकि एयर एंड पे रिवेलुशन हो रही है तो जितनी भी ये टोटल बनता है ये इन तीनों को अगर हम टोटल करते हैं तो दैट इज़ फोर्टी टू पॉइंट टू एट तो रिवेलुशन के टाइम पर हमारी कम्यूनिटी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाएगी फोर्टी टू पॉइंट टू एट से और एसेट भी इतने से ही क्रेडिट हो जाएगा उसके बाद हम रिवेल्यूशन का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे जिससे एसेट कम हो जाएगा और अब हम अपने टोटल्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ फोर सिक्सटी थ्री जिस रिवेल्यूड अमाउंट पर एसेट इशू होना है इक्यूनिटी डिपिसन वुड बी सेट टू जीरो क्योंकि अभी रिवेल्यूशन की वजह से एलिमिनेशन हुई है और एसेट नेट भी फोर सिक्सटी थ्री पर शो होगा अब एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि जब आप रिवेल्यूड एसेट शो करते हैं तो एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो एसेट कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा होता तो किन वैल्यूज पर शो होता तो वो डिस्कलोजर भी बिल्डिंग क्योंकि रिवेल्यूड अमाउंट पर शो हो रही है तो अभी साथ ही इसके हम बना लेंगे तो कॉस्ट मॉडल का अगर हम डिस्क्लोजर बनाते हैं तो कॉस्ट हमने पहले लेनी है इनिशियली कॉस्ट जो थी वो हमारी सिक्स हंड्रेड थी और एक डिस्पोजल अगर 66 का एसेट हम माइनस कर दें तो वो बच जाता है 534 अब इक्यूलिटी एप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो 600 इस टाइम पर अगर 2016 की जब हम बात करते हैं तो 600 का एसेट 30 इयर्स की लाइफ और टू इयर्स हुए एसेट को लिए हुए टू एंड सिक्सटीन तो इक्यूलिटी एप्रिसिएशन फोर्टी की आ जाती है जबकि 534 की बेस पर जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो वही 30 इयर्स की लाइफ है लेकिन अब हम तीन साल लेंगे क्योंकि 2015, 16, 17 सिक्सटीन तीन साल हो चुके हैं तो रिलेटेड हम तो तो जो हमारा uh, बननी थी वो कंप्लीट हो जाती है अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को देखेंगे प्लांट के, के बारे में क्या क्या बात बताई है तो प्लांट के बारे में 2015 में तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही है उसके बाद थर्टी दिसंबर टू को प्लांट की जो वैल्यू सेसू या रिकवरेबल अमाउंट दैट इज़ रुपीज थ्री सिक्सटी मिलियन इसका मतलब है कि प्लांट की कोई पॉसिबल है कि इंपेयरमेंट हुई होगी तो वो देख लेंगे हम उसके बाद ड्यूरिंग टू थाउजेंड सेवेंटीन इसका डेप्रिसिएशन मैथड चेंज हो रहा है और न्यू डेप्रिसिएशन रेट टेन परसेंट का हमने यूज़ करना है तो हम टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन में तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन के शुरू में हमें गिवन थी कि इसकी लाइफ जो है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव ईयर्स लेकिन बाद में जो है हम टेन परसेंट की बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड तो प्लांट की जो वर्किंग बनाते हैं और इसको भी शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं सो so, प्लांट की वर्किंग में प्लांट हमने ओरिजिनली परचेज किया था फर्स्ट जनवरी 2015 को 475 का और इसकी लाइफ 25 इयर्स थी इस बेसिस पर 2015 की डेप्रिसिएशन बनती है 19 फिर हमारा एसेट जो है वो नेट रिफ्लेक्ट हो रहा है 456 का इसकी डेप्रिसिएशन हम फिर एक साल की और चार्ज करते हैं तो वो 19 आती है और इस पॉइंट पर बिफोर इम्पेयरमेंट क्योंकि इम्पेयरमेंट ईयर एंड पर बताई हुई है तो बिफोर एम्पेयरमेंट हमारा एसेट फोर थर्टी सेवन का रहा है और रिकवरेबल अमाउंट अब बताई गई है कि थ्री सिक्सटी है इट शोज के एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो गई है और कितने से डिक्लाइन हुई है सेवेंटी सेवन से तो ये इम्पेयरमेंट का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन में जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो अब फिर हम डेप्रिसिएशन लेंगे लेकिन अब प्रीवियस डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे रिवाइज एस्टिमेट ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है और टेन परसेंट का रेट यूज करना है तो उस हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन आएगी और थर्टी फर्स्ट दिसंबर को हमारा एसेट थ्री ट्वेंटी फोर पर नेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए नाउ बेस्ड ऑन दिस हम इन सारी इंफॉर्मेशन को अब अपने जो मेन शेड्यूल है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे तो इनिशियली हमारी कॉस्ट फोर सेवेंटी फाइव मिलियन होगी और इसका मतलब है 2016 में हमारी कम्यूनिटी डेप्रिसिएशन 19 होगी जो कि 2015 की डेप्रिसिएशन आ रही होगी उसके बाद हमारी 19 की डेप्रिसिएशन 2016 में चार्ज होगी दिस वन देन हम चार्ज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस तो इम्पेयरमेंट को हम नोट कर लेंगे और 77 की इम्पेयरमेंट हम रिकॉर्ड कर देंगे इसके बाद अगर हम नेट कर लेते हैं तो हमारे एसेट की कॉस्ट की अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं है और एक्यूमलेटेड एप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट हमारे पास आ जाएगी वन वन फाइव जिसके बाद हमारा एसेट नेट थ्री सिक्सटी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा नेक्स्ट ईयर में यही जो हमारी क्लोजिंग फिगर्स हैं ये ओपनिंग फिगर्स बन जाएंगी और इसके बाद हमने सिंपली ये 36 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है तो 36 की की जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हम नेट कर सकते हैं फोर सेवेंटी फाइव इक्यूमलेटेड डेप्रीसीमेंट वन फिफ्टी वन और एसेट नेट थ्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्लांट का तो बिल्डिंग और प्लांट दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपली इनके टोटल्स करना है तो सारे टोटल्स हम वन बाय वन करते जाते हैं Uh, तो फर्स्ट जनवरी को जो टोटल आ रहा है टू थाउजेंड सेवनटीन में वन वन सेवन फाइव और यही टोटल था बेसिकली वन वन सेवन फाइव का इन टू थाउजेंड सिक्सटीन उसके बाद जो है डिस्पोजल एटी सेवन के फोर्टी टू पॉइंट टू एट वन सेवन पॉइंट सेवन टू एंड नाइन थ्री एट के एसेट्स टोटल में आ जाते हैं लास्ट ईयर में ये वन वन सेवन फाइव थे उसके बाद इम्यूनिटी डेप्रिसिएशन को देखते हैं तो वन थर्टी नाइन पॉइंट वन फोर फर्स्ट जनवरी को करंट ईयर देन लास्ट ईयर जस्ट नाइनटीन डिस्पोजल जो है वो सिर्फ करंट ईयर में था उसके बाद डेप्रिसिएशन करंट ईयर की 58.64 लास्ट ईयर की 43.14 टोटल रिवेलेशन का इंपैक्ट जो है वो करंट ईयर में लास्ट ईयर रिवेलूशन नहीं हुई थी इंपेयरमेंट जो है वो प्लांट की लास्ट ईयर हुई है इस साल में नहीं हुई तो वो सिर्फ लास्ट ईयर में रिफ्लेक्ट करेंगे इसके बाद हम इकम्यूनिटी डेप्रिसिएशन के टोटल्स मैंशन कर लेंगे और फिर कैरिंग अमाउंट मैंशन कर लेंगे सो तो इस तरह से जो हमारे मेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है और अब हम नैरेटिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट में एक तो हमने मेयरमेंट बेसिस यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड बताना होता है तो वो हम बताएंगे तो प्लांट और बिल्डिंग के लिए मजरमेंट बेसिस यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट डेप्रिसिएशन मेथड तो बिल्डिंग के लिए जो हमारे पास है दैट इज़ रिवेल्यूशन मॉडल थर्टी ईयर्स की लाइफ है स्ट्रेट लाइन मैथड हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल है और अब उस पर टेन परसेंट रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं लास्ट रिवेल्यूशन जो है वो थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवनटीन को हुई है बिल्डिंग की और जो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैं तो ये रिवेल्यूशन मॉडल की जो रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग की वो हमने रिफ्लेक्ट कर दी फिर हमें चेंज इन एस्टिमेट का डिस्क्लोजर नोट भी बनाना है तो चेंज इन एस्टिमेट पार्ट बी जो टू मार्क्स का है कि तो उसमें हम सिंपली बता देंगे दो चीज़ें हमने बतानी है कि नेचर ऑफ चेंज क्या है और उसका इफेक्ट ऑफ चेंज क्या है तो पहले नेचर ऑफ चेंज डिस्कस करते हैं ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न और कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द प्लांट एसेट्स सट्स दियर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मैथड ऑफ प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड द न्यू डेप्रिसिएशन रेट इज़ टेन परसेंट और इसका अगर फाइनेंशियल इफेक्ट अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमारी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही थी तो आफ्टर इम्पेयरमेंट हमारा एसेट थ्री सिक्सटी का था ट्वेंटी थ्री ईर्स रिमेनिंग लाइफ थी तो उस पर डेप्रिसिए चार्ज होती तो दैट वुड हैव बीन फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट हमने यूज़ किया उसके मुताबिक हमारा जो एसेट है वो थ्री सिक्सटी पे टेन परसेंट के हिसाब से डेप्रीशिएट करेंगे टेन परसेंट के पे डेप्रिशिएट करने के बाद इट कम्स थर्टी सिक्स और इंक्रीज अगर इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर कर लेते हैं तो दैट इज ट्वेंटी पॉइंट थ्री फाइव सो फाइनेंशियल इफेक्ट हम लिखेंगे कि हेड द डेप्रिसिएशन मेथड बी नॉट चेंज प्रॉफिट ऑफ 2017 वुड हैव बीन हायर बाय 20.35 मिलियन क्योंकि जो रिवाइज एस्टिमेट है इसकी वजह से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है और ज्यादा डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट लोअर हो गया तो प्रॉफिट के ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट भी डिस्कस कर दिया अब हम डिस्पोजल के जो डिस्क्लोजर्स कंपनी एक्ट की के हैं वो भी बता देंगे तो उसमें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं तो एसेट जो हमने डिस्पोज ऑफ किया था वो बिल्डिंग है परचेजर का नाम बाकिर लिमिटेड है उसकी जो लास्ट वैल्यूड अमाउंट है अब ये मैच नहीं करता उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी है, की. है, और की है तो एटी आप ये टू माइनस कर देंगे तो एटी और 83 और 82 82.5 का डिफरेंस हमारे पास गेन आ जाएगा 0.5 का तो ये इस क्वेश्चन की सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी जो हमने कंप्लीट कर ली वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम आई सिक्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है गेम्स लिमिटेड क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं गेम्स लिमिटेड कमेंस्ड अ बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड बर्निंग वीडियो गेम सीरीज ऑन फर्स्ट जुलाई टू द फॉलोइंग द परटेन्स टू द ईयर एंडेड थर्टी मार्च टू यानी जो आपका आप देखेंगे कि टू से ये सिक्सटीन तक नाइन मंथ्स का टाइम बनता है तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें सब कुछ नाइन मंथ से रिलेटेड हम कवर कर रहे होंगे तो इन्फॉर्मेशन ये जीएल थर्टीजी थाउजेंड को थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड आ जाएगा प्योरली फॉर द टास्क ऑफ बर्निंग जो इनका मेन ऑपरेशन है उसके लिए तो ये अगर इसकी डेप्रिसिएशन होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होगी द मैनेजमेंट ऑफ जीएल एस्टिमेट्स टू बेनिफिट कैन

फोर इयर्स की लाइफ बता दी रेजिडेंट वैल्यू भी बता दी इससे हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बाद है जीएल परचेज इन ऑफिस बिल्डिंग एट द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस वर्थ रुपीज थ्री मिलियन जीएल डिसाइडेड टू अडॉप्ट फेयर वैल्यू मॉडल विच मीस रिवेल्यूशन मॉडल ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्रॉपर्टी प्राइस एटी परसेंट ऑफ द बिल्डिंग इज अकोपाइड बाई कंप्यूटर लैब्स इसका मतलब है कि जो मेन ऑपरेशन का काम हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड वो एटी परसेंट है वेयर अस ट्वेंटी परसेंट इज यूज बाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिपार्टमेंट यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी टेन ईयर्स

ऑन फर्स्ट जुलाई 2015 तो इन पे भी नाइन मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी ये टेन ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिशिएट करना है विद नो एजल वैल्यू यहां पर इन्होंने हमें मेथड बता दिया है जीएल में द कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट विद अल करीम कंप्यूटर टू परच सिक्स कंप्यूटर्स ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ई टोटल वन ट्वेंटी थाउजेंड टू बिलीवर्ड एट जीएल प्रेमिस ऑन फर्स्ट मे टू थाउजेंड सेवेंटीन यानी अब हमारा जो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को हो रहा है तो ये ईयर एंड के बाद डिलीवर होंगे ये हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है जिसका डिस्कलोजर रिक्वायर्ड होता है देन फर्दर इन्फॉर्मेशन अब 2017 से रिलेटेड है यानी पहला जो ईयर था नाइन मंथ्स का जो टाइम था जिसमें 2016 तक फिर फुल ईयर का टाइम जिसमें पूरे ट्वेल्व मंथ्स का काम होगा अलम्यूटर एट द सेट डेट यानी फर्स्ट मे को इट वॉज डिसम मैथ एंड सेम रेट टू एप्रिशिएट दिस नो फर्दर स्पेस वॉज यूटिलाइज बाय दूटर लैब्स तो उसका मतलब है कि स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ा एट देंड ऑफ इयर दैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज अस टू बी रुपीज टू मिलियन दोबारा रिवेल्यूशन हुई है पहले वैल्यू थ्री पॉइंट सम मिलियन थी अब टू मिलियन हो गई एट द ईयर दी एल मॉडेज इंटायर बिल्डिंग विद बैंक टू लोन वर्थ मिलियन फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन अदर डिवीजन तो ये एक डिस्कलोजर नेरेटिव चाहिए होगा वो हम बाद में लिख लेंगे फिटिंग्स विद ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड वर डिस्पोज ऑफ फॉर रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड और फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड से हमारा जो एयर एंड हो रहा है उससे तीन महीने पहले द सुजुकी ड्राइवर वास पेड रुपीज वन थाउजेंड टू ट्रांसफर द फिटिंग्स टू कस्टमर प्रीमिस तो डिस्पोजल करते हुए हमारी वन थाउजेंड की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी लगी है द फेयर वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वर डिटर्मंड बाई एन इंडिपेंडेंट फर्म मैसेर हफीज यासिफ अकाउंटेंट एंड को मोर ओवर जीएल यूज प्रपोर्शनेट पॉलिसी टू डेप्रिशिएट इट्स एसेट तो ये फिटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो so, इन्फॉर्मेशन काफी कंपैक्ट है लेकिन ओवर द टू ईयर हमने तीन डिफरेंट एसेट्स को कवर करना है जिसमें हमारे पास बिल्डिंग्स हैं कंप्यूटर्स हैं और फिटिंग्स हैं सो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है कि प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ फिटिंग ऑन फर्स्ट जनवरी टू तो पहले डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे दूसरा है कि डिस्कलोजर बनाए अंडर आई सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के इन द नोट्स टू द प्लिश्ड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन कम्पेरेटिव आर रिक्वायर्ड यानी टू थाउजेंड सिक्सटीन का डाटा भी जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी हमने यूज़ करना है और वो कम्पेरेटिव को भी हमने बनाना है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्योंकि हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और वो सेल ऑफ फ़िटिंग से रिलेटेड है तो डिस्पोजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम फोकस करते हैं जो फिटिंग्स हैं उनकी कॉस्ट थी थर्टी थाउजेंड डिस्पोज किया ट्वेंटी टू थाउजेंड का वन थाउजेंड की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लगी है और ये सब काम फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन को हो रहा है तो इसमें हमने ये जहन में रखना है कि जो भी फिटिंग्स ख़रीदी गई थी वो फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन को ख़रीदी गई थी तो तब से लेकर इस डेट तक 1.5 इयर्स गुज़र चुके हैं तो अब अकॉर्डिंगली हम डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे इसकी बेसिस पर सो so, डिस्पोजल के लिए टी अकाउंट हम बनाते हैं सबसे पहले तो हम एसेट की जो कॉस्ट है उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 30000 फिर हम एसेट की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर करेंगे लेकिन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट जुलाई 2015 को जब एसेट खरीदे थे और डिस्पोज हुए फर्स्ट जनवरी 2017 को तो ये 18 मंथ्स बनते हैं या 1.5 इयर्स बनते हैं तो जो 30,000 के ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं टेन परसेंट का रेट बनता है जो क्वेश्चन में गिवन है टेन ईयर्स की लाइफ है इनकी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे वन पॉइंट की डेप्रिसिएशन बनेगी फोर्टी यही फोर्टी हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देंगे उसके बाद हमारी वन की डिस्पोजल कॉस्ट लगी है और हमें सेल करके जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड और अगर हम हम टोटल करते हैं तो डेबिट साइड पे टोटल थर्टी वन थाउजेंड आ रहा है क्रेडिट साइड पर भी ये ज्यादा टोटल बनता है तो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पर तो इसका मतलब है कि हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल ईयर एंड पर हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे और दैट डिफरेंस इज आल्सो फोर्टी फाइव हंड्रेड तो फर्स्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फिटिंग का वो यहाँ पर पूरी हो जाती है और ये फोर्टी फाइव हंड्रेड की अमाउंट की हम आगे भी अपनी रिकनसिलेशन के अंदर यूज कर लेंगे अब आते हैं हम और अपना जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर बनाना है उसके लिए जो मेन फोकस हमारा होगा इनिशियल फॉर्मेट बनाने के बाद वो हमारा फोकस होगा बिल्डिंग फिर कंप्यूटर और फिर फिटिंग्स के ऊपर तो स्टेप वाइज अगर हम चलते हैं तो पहले हम जरा देखते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग से रिलेटेड क्या डाटा है सो जीएल परचेज इन ऑफिस बिल्डिंग एट द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस जो कि फर्स्ट जुलाई टू है वर्थ रुपीज थ्री मिलियन डिसाइडेड टू अडॉप्ट फेयर वैल्यू मॉडल विच वुड बी बेसिकली रिवेल्यूशन मॉडल ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्रॉपर्टी प्राइसिस एटी परसेंट ऑफ बिल्डिंग इज अकोपायर्ड बाई कंप्यूटर लैब यानी इतनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज होनी चाहिए ट्वेंटी परसेंट बाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट बननी चाहिए यूजफुल लाइफ टेन ईयर्स विद नो रेजिडल वैल्यू एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव इवनली डिराइव इवली का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मैथड यूज होना चाहिए एंड ऑफ ईयर फेयर वैल्यू टू बी थ्री सेवन फाइव हंड्रेड तो हमें फिर एट द एंड ऑफ ईयर फेयर वैल्यू जो है वो फिर नेक्स्ट ईयर में टू मिलियन हो गई है वंस अगेन हम डेप्रिसन रिकॉर्ड करेंगे और फिर ईयरेंट पर रिवेलशन रिकॉर्ड कर लेंगे एंड ऑफ ईयर पर है और इसके अलावा फेयर वैल्यू से रिलेटेड डिस्क्लोजर बताए हुए हैं जिसमें यह बताया गया है कि एक इंडिपेंडेंट फर्म ने वैल्यूशन की थी तो ये हम रिवैल्यूशन के जब डिस्क्लोजर बनाएंगे तो उसके अंदर इसको भी कवर कर लेंगे तो हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें बिल्डिंग कंप्यूटर फिटिंग्स टोटल का कॉलम नहीं बना रहे हम जगह की कमी की वजह से भी और इसलिए भी कि ओवर द टू ईयर्स हम डाटा कवर कर रहे हैं और काफ़ी सारे एसेट्स हैं तो एक बेसिक फॉर्मेट हम बना लेंगे बिल्डिंग कंप्यूटर फिटिंग्स करंट ईयर और बिल्डिंग कंप्यूटर फिटिंग्स लास्ट ईयर अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग के फर्स्ट पॉइंट से तो बिल्डिंग को जब एक्वायर किया तो थ्री मिलियन का एक्वायर किया ये क्वेश्चन में डाटा हमें गिवन है उसके बाद बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टू थाउजेंड सिक्सटीन में टेन ईयर्स की लाइफ गिवन है और नाइन मंथ गुजरे हैं क्योंकि जुलाई से मार्च तक का टाइम बनता है तो नाइन मंथ की डेप्रिसिएशन टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बनेगी ये हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे इसके बाद एसेट जो है वो डेप्रिसिएशन के बाद शो रहा होगा टू डबल सेवन फाइव थाउजेंड का और उसकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है थ्री टू थ्री सेवन फाइव डबल जीरो विच मीन्स के हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई है और रिवेलेशन का गेन आ जाएगा फोर सिक्स टू फाइव हंड्रेड का लेकिन जब हमने रिवेलेषन को रिकॉर्ड करना होता है पहले एक रिवेलेशन की कैंसिलेशन एडजस्टमेंट होती है तो हम इक्यूमिलिटी डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं और इतनी ही अमाउंट से एसेट को भी क्रेडिट करते हैं फिर हम रिवेलेशन का जो गेन और लॉस होगा तो गेन आया हुआ तो गेन की वजह से एसेट को बढ़ा देंगे इसके बाद हम सिंपली टोटल कर लेते हैं कॉस्ट का एक्यूमलेटेड एप्रिसिएशन तो नील हो गई और नेट कैरिंग अमाउंट आ गई फिर हमारे पास जो कॉस्ट की वैल्यू लास्ट ईयर के एंड पर है वो इस साल की ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी इसी तरह ये जो ज़ीरो है ये भी इस साल का ओपनिंग जीरो के तौर पर आ जाएगा अब हम 2017 की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो अब रिमेनिंग लाइफ 9.25 पॉइंट है क्योंकि 0.75 की लाइफ पहले ही गुजर चुकी है तो 9.25 पॉइंट ईयर्स का मतलब है कि हमारी डेप्रिसिएशन 350,000 की चार्ज होगी ये 350,000 की हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे उसके बाद हम देखते हैं कि इस डेप्रिसिएशन के बाद हमारा एसेट टू पर शोर जबकि फेयर वैल्यू क्वेश्चन में टू मिलियन बताई गई है विच मीन्स कि हमारे पास जो रिवेलूशन का लॉस आ जाएगा ऑफ एट एट सेवन फाइव डबल जीरो बट रिवेल्यूशन रिकॉर्ड करने के लिए पहले हम इक्म्यूनिटी डेप्रिसिएशन कैंसिल करेंगे थ्री फिफ्टी थाउजेंड की और ये एसेट के अंदर भी क्रेडिट हो जाएगी और फिर ये जो लॉस है इससे भी एसेट हमारा कम हो जाएगा तो जब हम ये सब रिकॉर्ड कर चुके हैं तो हमारा एसेट जो है वो कॉस्ट पर टू मिलियन का शो होगा इक्म्यूनिटी डेप्रिसिएशन जीरो हो चुकी है और नेट एसेट टू मिलियन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा अब क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी रिवेलेशन की बेसिस पर अकाउंटिंग हो रही है तो रिवेलुशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर हमें कवर करने चाहिए तो अब रिवेलेशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर कवर करते हैं तो रिवेल्यूशन डिस्क्लोजर में हम बताएंगे कि जी हमारी रिवेलेशन की इफेक्टिव डेट्स क्या थी फेयर वैल्यूज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट फर्म ने मेयर की थी जिनका हम नाम भी बता देंगे तो ये हमारे दो डिस्क्लोजर्स तो रिवेलेशन के ये कवर हो जाएंगे इसके बाद हमें बताना होता है कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल तो वो हम बताते हैं कि जी कितनी होगी तो कॉस्ट जो है हमें थ्री मिलियन की पता है तो दोनों सालों में कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं हुआ तो वो थ्री मिलियन ही है इक्यूलेट डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है और अगले साल की डेप्रिसिएशन अगर हम कॉस्ट मॉडल पर यूज़ करते हैं तो वो थ्री हंड्रेड थाउजेंड बनती है तो यहाँ पर टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ जाएगी और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टू थाउजेंड सेवेंटीन में फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जिसके बाद हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट आ जाती है टू फोर सेवन फाइव थाउजेंड एंड लास्ट ईयर की टू डबल सेवन फाइव थाउज़ेंड रिवे सरप्लस की मूवमेंट अगर हमने बतानी हो तो ओवर द ईयर हम वो भी बता सकते हैं फर्स्ट अप्रैल रिवेल्यूशन गेन 2016 में राइज हुआ फोर सिक्स टू फाइव डबल जीरो का और इस पर हम अगर हम टोटल कर लेते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च को तो वही हमारे पास वैल्यू थी इर एंड पर नेक्स्ट ईयर का यही ओपनिंग बन जाएगा फिर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बेस पर तो जिस तरह डेप्रिसिएशन रिमेनिंग नाइन पॉइंट टू फाइव ईयर की बेस पर चार्ज हुई है वैसे ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे दैट इज फिफ्टी थाउजेंड और बाकी जो है लॉस आने के टाइम पर ट्रांसफर हो जाएगा और जिवेलशन सरप्लस का बैलेंस 2017 के एंड पर जीरो है जो रिमेनिंग लॉस है क्योंकि टोटल लॉस एट एट सेवन फाइव डबल जीरो का था तो वो रिमेनिंग लॉस प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड हो अब बिल्डिंग्स को कवर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कंप्यूटर्स को कवर करें तो कंप्यूटर्स पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हमने थर्टी कंप्यूटर्स खरीदे ट्वेंटी थाउजेंड ईच तो सिक्स की वैल्यू बन जाती है और ये मेन हमारे ऑपरेशन के लिए यूज हो रहे हैं कंप्यूटर्स के लिए वो कह रहे हैं कि जी मोर ऑफ इट्स बेनिफिट कैन इन अर्ली लाइफ और इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है टोटल यूजफुल लाइफ फोर ईयर्स एंड वैल्यू फोर एट जीरो टू और हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल आपने यूज करना है तो ये तो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन में यह है कि मजीद जो हमने कमिटमेंट की हुई थी वो भी हमें फर्स्ट मे को जो है कंप्यूटर्स मिल गए हैं और वो ट्वेंटी uh, थाउजेंड के हिसाब तो से सिक्स कंप्यूटर थे तो ये वन ट्वेंटी थाउजेंड की वैल्यू बनेगी तो इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमने कंप्यूटर एक्वायर किया वो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड के थर्टी कंप्यूटर्स ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड ई नेक्स्ट हमने डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है तो फोर ईयर्स की लाइफ रेजिडल वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट तो वन माइनस ये हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से थर्टी परसेंट हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं टू थाउजेंड सिक्सटीन की तो थर्टी परसेंट और नाइन मंथ का टाइम तो वन थर्टी फाइव थाउजेंड की डेप्रिसिएशन बनती है ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस सिंपली जस्ट टोटल कर लेंगे सिक्स हंड्रेड थाउजेंड वन थर्टी फाइव थाउजेंड और नेट कैरिंग अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी फोर सिक्सटी फाइव थाउजेंड ये जो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा और ये वन थर्टी फाइव थाउजेंड भी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा तो ये जब ओपनिंग हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन के ऊपर हमारा पॉइंट आएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमारी कुछ एक्विजिशन भी हुई है तो वो हुई है वन ट्वेंटी थाउजेंड के हमने जो ट्वेंटी थाउजेंड ईच के सिक्स कंप्यूटर खरीदे हैं जिनकी पहले कमिटमेंट की गई थी अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो जो ओपनिंग एसेट हैं फोर सिक्सटी फाइव थाउजेंड उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन वन थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड आएगी और जो एडिशन हुआ है वो क्योंकि फर्स्ट मे को हुआ है वो इलेवन मंथ्स बनते हैं फर्स्ट मे टू थर्टी फर्स्ट मार्च तो सिर्फ अप्रैल का मंथ आप एक्सक्लूड करेंगे बाकी सारे मंथ्स इसमें पूरे साल के हैं तो उन पर थर्टी परसेंट के हिसाब से एलेवन मंथ की डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो दैट इज थर्टी थ्री थाउजेंड और टोटल करते हैं तो वन सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड ये डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर देंगे एंड वंस वी रिकॉर्ड दिस डेप्रिसिएशन हमें कॉस्ट का टोटल करना है डेप्रिसिएशन का टोटल करना है और हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगी सो so, हम जब ये रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि अब हम फिटिंग्स के मैटर को देखें तो फिटिंग्स में आल्सो परचेज फिटिंग्स और ये भी वन ट्वेंटी थाउजेंड की परचेज की थी फर्स्ट जुलाई को और टेन ईयर्स पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर इनको डेप्रिशिएट करना है यहां पर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टेन परसेंट रेट एक किस्म का दिया हुआ है या टेन ईयर्स से डिवाइड कर लें उसके बाद है कि जो फिटिंग्स में एक डिस्पोजल भी है जिसको हमने ऑलरेडी अपनी पार्ट ए के अंदर कवर किया और वहाँ पर हमने देखा था कि जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हुए हैं उनकी कॉस्ट जो है थर्टी थाउजेंड और जो एक्यूलेटेड एप्रिसिएशन है वो थी फोर्टी फाइव हंड्रेड तो ये पार्ट ए के अंदर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है so, सो अब अगर हम फिटिंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वन ट्वेंटी थाउजेंड की फिटिंग्स हमने एक्वायर की थी उसकी डेप्रिसिएशन जो बनती है टेन ईयर्स के हिसाब से नाइन मंथ्स की नाइन थाउजेंड बनती है तो ये नाइन थाउजेंड की हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे और इसके बाद हम सिंपली टोटल कर लेंगे वन ट्वेंटी थाउजेंड नाइन थाउजेंड और नेट वन इलेवन थाउजेंड दैन ये जो वन ट्वेंटी थाउजेंड क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा और ये नाइन थाउजेंड जो क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा सो so, इसके बाद हमें डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना है तो डिस्पोजल में हमें कॉस्ट बताई हुई है कि डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है और डिस्पोजल की कॉस्ट थर्टी थाउजेंड अब डिस्पोजल की इक्मिलिटी डेप्रिसिएशन जो हम ट्रांसफर आउट करेंगे वो फोटी फाइव हंड्रेड हमने पार्टी में कैलकुलेट की थी और अब टू थाउजेंड सेवनटीन की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो टेन ईयर्स की बेस पर जो है डिस्पोज्ड एसेट की नाइन मंथ की डेप्रिसिएशन है क्योंकि इसको हमने जो डिस्पोज किया है वो फर्स्ट uh, जनवरी को कर रहे हैं तो इस पर जो टाइम हुआ है वो नाइन मंथ का हुआ है इस ईयर में 2017 में फर्स्ट अप्रैल टू दिसंबर तक तो इसकी डेप्रिसिएशन इस ईयर में डबल टू फाइव जीरो बनती है बाकी जो थी डबल टू फाइव जीरो प्रीवियस ईयर की थी रिमेनिंग जो एसेट्स हैं उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी रिमेनिंग नाइनटी थाउजेंड वन ट्वेंटी में से थर्टी निकाल दें तो रिमेनिंग नाइन्टी थाउजेंडें बचते हैं तो उन पर पूरे दस आ, साल की बेस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट वुड बी नाइन थाउजेंड और हमारे पास टोटल आ जाएगा इलेवन टू फिफ्टी ये इलेवन टू फिफ्टी हम डेप्रिसिएशन के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे एंड देन सिंपली हम अपने टोटल कॉस्ट का जो हमारा नेट आ जाएगा नाइन्टी थाउजेंड और एक्यूलेटेड डेप्रिसिएशन का फाइनल टोटल आ जाएगा फिफ्टीन सेवन फिफ्टी एंड नेट अमाउंट वुड बी सेवन फोर टू फाइव ज़ीरो तो ये सब जब हम कर लेते हैं तो हमारी रिकन्सलेशन भी पूरी हो गई और रिवेल्यूशन का डिस्क्लोजर भी पूरा हो गया लेकिन कुछ और नेगेटिव डिस्क्लोजर भी क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट हो रहे हैं तो अब उनको फोकस करते हैं सो so क्वेश्चन में एक बात तो ये बताई हुई है कि जो एटी परसेंट ऑफ द बिल्डिंग है वो कंप्यूटर लैब्स कवर कर रही हैं जो कि एक किस्म का प्रोडक्शन ओरिएंटेड काम है गेम्स बनाने वालों के लिए और ट्वेंटी परसेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर यूज हो रहा है तो एक तो ये एटी ट्वेंटी की एलोकेशन हम डेप्रिसिएशन की देखेंगे फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन में ये कॉन्ट्रेक्चुअल uh, जो है कमिटमेंट थी कि हम सिक्स कंप्यूटर बाय करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड में याद रखेंगे ये नेक्स्ट ईयर में कॉन्ट्रेक्चुअल uh, जो है कमिटमेंट नहीं रहेगी क्योंकि तब हम एक्चुअली बाय कर चुके हैं तो फर्दर जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर ये बताया हुआ है कि बिल्डिंग को मॉडगेज किया हुआ है टू ऑप्टेन अ लोन ऑफ 1.75 मिलियन तो ये भी हमें एक डिस्क्लोजर देना होगा तो अभी नैरेटिव डिस्क्लोजर्स को कवर करते हैं गेम्स लिमिटेड यूज द फॉलिंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बेसिस टू वैल्यूड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्मेंट मेथड टू कैलकुलेट इट्स डेप्रिशिएशन सो so, बिल्डिंग पे स्ट्रेट लाइन मेथड टेन परसेंट रेट हमने खुद कैलकुलेट उसके टेन ईयर्स लाइफ बताई हुई है कंप्यूटर्स पे थर्टी परसेंट हमने कैलकुलेट किया फिटिंग्स पे भी टेन परसेंट या टेन ईयर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो रिवाल्यूशन मॉडल कॉस्ट मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल ये क्वेश्चन में बताए हुए और ये मैथड इंडिकेट किए हुए थे क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू स्ट्रेट लाइन और फिटिंग का तो खुद ही बताया हुआ था फिर इंटायर ऑफिस बिल्डिंग जो है वो मॉडगेज हुई हुई है तो इसका हमने डिस्क्लोजर बता दिया है कितनी अमाउंट के अगेंस्ट हुई हुई है और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन अदर डिवीजन को कवर करने के लिए किया है कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट इस साल में तो नील हैं लेकिन 2017 में लेकिन कंपैरेटिव ईयर में 120,000 की कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स थी उनको रिफ्लेक्ट कर दिया फिर डेप्रिसिएशन की एलोकेशन की बात होगी तो हम बिल्डिंग को जो है वो एटी uh, ट्वेंटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंप्यूटर सारे का सारा क्योंकि गेम्स uh, बनाने से ताल्लुक है जो कि हमारी मेन प्रोडक्शन है उसमें होगा और फिटिंग्स जो हैं वो क्योंकि ऑफिस की हैं तो वो एडमिन के अंदर चार्ज होंगी तो यही 2017 में हमने एलोकेशन की और यही एलोकेशन 2016 में भी कर रहे हैं जो टोटल्स की फिगर है वो तो हमारे रिकनसलेशन जो हमने बनाई है उसके अंदर से हमें मिल जाती हैं सो so, ये ओवरऑल हमने सारा क्वेश्चन कवर किया अब अगर हम अपना फाइनल सोल्यूशन देखें डिस्कलोजर का तो वो क्या होगा तो उसमें सबसे पहले तो हमारे मेन रिकन्सलेशन होगी उसके बाद रिवेल्यूशन के डिस्कलोजर्स होंगे और उसके बाद हमारे नेरेटिव के डिस्क्लोजर्स होंगे जो हमने कवर करने हैं अपने आंसर में

तो ये ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता रिवेल का गेन लॉस हो तो जाता है और एनी ऑफ द अब वुड बी इन करेक्ट एज वेल क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शन गलत हैं 22 है आफ्टर इनिशियल एन एंटिटी हैज अ चॉइस टू चूज कॉस्ट एंड दो मॉडल जो हैं वो आई एक्सटीन अलाउ करता है कॉस्ट मॉडल और रिवेलशन मॉडल तो यहां पर हमारा आंसर होगा सी ट्वेंटी थ्री है आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवेल्यूड वट शुड बी रिवैल्यूड तो अलेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि द होल क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिलोंग उस पूरी क्लास को हमने रिवैल्यू करना होता है ना सिर्फ इंडिविजुअल एसेट को यह भी नहीं है कि तमाम के तमाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कर लें या सिलेक्शन बेस्ड कर लें तो आपने करना होता है होल क्लास ऑफ एसेट जिससे वो आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिलेट करता है तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट 24 है इफ एन एसेट इंक्रीज इज इन वैल्यू द इंक्रीज इज नोटेड एज तो इंक्रीज को हम कहा रिकॉर्ड करेंगे जब एक एसेट uh, की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंक्रीज को हम नोट करते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर और उसका फिर इफेक्ट जाता है रिवेल्यूशन सरप्लस के अंदर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल करना गलत है रिटर्निंग के अंदर शामिल करना यह गलत है अदर प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीसिव इनकम में तो हमारे पास जो करेक्ट uh, ऑप्शन है दैट इज ऑनली सी ट्वेंटी फिफ्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर रिपोर्टिंग नॉन करंट एसेट्स एट रिवेल्यूशन अमाउंट तो रिवेल्यू एसेट करने की जो बेसिक रीजन होती है वो ये होती है कि एसेट अपनी अपडेटेड वैल्यू पर शो हो ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर समझ में आए तो इसमें से हम देखते हैं वैलिड रीज़न कौन कौन सी हैं टू प्रिवेंट लॉन्ग लाइफ एसेट्स फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड एट आउट ऑफ डेट हिस्टोरिकल कॉस्ट ये तो बिल्कुल वैलिड रीज़न है आई ए सिक्सटी के मुताबिक भी और इन जनरल भी ये रिवेल्यूशन पर जब आप रिवेल्यूशन मॉडल यूज़ करते हैं तो आपका एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कि बाजू बहुत आउटडेटेड होती है अगर आपने एक एसेट पच्चीस तीस साल पहले परचेज़ किया था और आप उसको कॉस्ट मॉडल पर शो कर रहे हैं तो आप उसकी बहुत पुरानी वैल्यू शो कर रहे हैं जो आज की प्राइस टर्म्स में रेलिवेंट नहीं है तो एक तो ये रीजन वैलिड है टू कीप ओनर्स ऑफ द बिजनेस बेटर इन ऑफ दियर इक्विटी इन द बिजनेस क्योंकि जो बिजनेस की करंट एसेट्स की करंट वैल्यू है ओनर्स के लिए तो वो ज्यादा रेलिवेंट है तो ये भी एक वैलिड पॉइंट बनता है टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाई मैचिंग अर्निंग विद प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट यूज जब आप एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन रिवेलूड अमाउंट पर चार्ज होती है इस तरह जो इनकम है जो करंट टाइम में हम इनकम रिकोगनाइज कर रहे हैं उसी के साथ करंट टाइम की वैल्यू की बेस पर डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस बन रही होती है तो ये भी एक वैलिड रीजन है टू अवॉइड हैविंग टू पे हायर टैक्सेज रिवेलुशन करने से या ना करने से टैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो टैक्स लॉज होते हैं वो तो अपने हिसाब से एक इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो अकाउंटिंग को फोकस नहीं करते वो फोकस करते हैं जो टैक्स रूल्स होते हैं उसके मुताबिक वो एक जो है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है तो आप रिवेल्यूशन मॉडल यूज़ करते हैं या नहीं करते इससे आपके इनकम टैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो ये जो डी है ये वैलिड रीजन नहीं है ये हमारा आंसर होगा ट्वेंटी एन एटिटी हैज पॉलिसी ऑफ रीव इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एन एसेट कॉस्ट रुपीज फाइव मिलियन ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी एंड हैज ऑफ फुलव ईयर एंड इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस टू अट वैल्यू द वैल्यू ऑफ एसेट एट थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एट मिलियन रिवैल्यूशन हो गई आपकी द फॉल इन वैल्यू विल बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोर्स तो फॉल इन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए इसके लिए हम एक पहले ब्रीफ कैल्कुलेशन खुद की बना लेते हैं तो सबसे पहले तो अगर एक साल हुआ है आपको एसेट को लिए हुए तो अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो फाइव मिलियन बेस्ड ऑन फाइव ईयर रुपीज वन मिलियन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी उसके बाद हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं तो फाइव मिलियन में से वन मिलियन फाइव मिलियन की कॉस्ट है वन मिलियन की इक्यूमेटरी डेप्रिसिएशन है तो फोर मिलियन की हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी अब हम इसको कंपेयर करते हैं रिवेल्यूशन के साथ तो हमारे पास जो थ्री पॉइंट एट का एसेट हो गया फोर मिलियन से तो वैल्यूड में डिक्लाइन आ गया पॉइंट टू मिलियन का लॉस आ गया और लॉस जब आए किसी एसेट पर फर्स्ट टाइम रिवेल्यू करके तो वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है तो ऑन दिस बेसिस जो हमारा आंसर बनेगा दैट वुड बी कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो रुपीज़ वन मिलियन और फॉल इन वैल्यू ऑफ टू हंड्रेड थाउजेंड दोनों इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होने चाहिए तो इनमें से कोई भी आप रिजर्व वगैरह के अंदर इम्पैक्ट नहीं लेकर जाएंगे तो ये रिजर्व वाला पॉइंट लिखा है ये गलत है रिवेल्यूशन सर प्लस वाला पॉइंट लिखा है ये गलत है रिज़र्व लिखा हुआ है ये गलत है तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है इसके बाद ट्वेंटी सेवन है जी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकमल सरप्लस में रिकॉर्ड हो जाएगा रुपीज टेन मिलियन इन शेयर प्रीमियम फाइन एंड ट्वेंटी फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट रिटेन क्वेश्चन ये विच ऑफ दीज आर इंक्रीजिज इन कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व उन रिजर्व को कहते हैं जिनमें से हम आ, डिविडेंड नहीं दे सकते तो रिवेल्यूशन सरप्लस में से भी डिविडेंड नहीं दे सकते शेयर प्रीमियम में से भी डिविडेंड नहीं दे सकते लेकिन ट्रेडेड प्रॉफिट से ऑब्वियसली डिविडेंड दे सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होता है तो हमारे जो कैपिटल रिजर्व हैं वो ये दोनों हैं जिनमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता वन एंड टू ओनली एंड सी वुड बी आर ऑप्शन ट्वेंटी है जी हमारे पास के फॉलोइंग गेन्स में लीगली बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंपनी बाई शेयर होल्डर बेसिकली वंस अगेन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है गेन दैट अराइज फ्रॉम द अपवर्ड रिवेल्यूशन ऑफ नॉन करंट एसेट तो अगर आप अपवर्ड रिवेल्यूशन करते हैं एसेट की तो उससे जो गेन आता है दैट इज कॉल्ड रिवेल्यूशन सरप्लस तो इसमें से तो डिविडेंड देना मना होता है ये क्योंकि कैपिटल रिजर्व है अच्छा अब दूसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है वो है कि जी गेन दैट अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ ंट एसेट यस जब आप सेल ऑफ नॉन करंट एसेट करते हैं तो जो आपका गेन होता है वो रियलाइज होता है उसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है सो वट इज द वैलिडिटी ऑफ ई स्टेटमेंट तो पहली स्टेटमेंट तो जो है वो गलत है दूसरी ट्रू है तो सेकेंड इज ट्रू फर्स्ट इज फॉल्स दिन वुड बी करेक्ट ट्वेंटी नाइन है ट्वेंटी नाइन है कि जी द फाइनशियल स्टेटमेंट ऑफ सादी लिमिटेड फॉर द मोस्ट रिसेंट ईयर इंडिकेटेड द फॉलोइंग बोनस इशू ऑफ शेयर अच्छा पूछ क्या रहे हैं वो कि विच ऑफ द अबव इन्वॉल्व अ मूवमेंट ऑफ़ कैश तो बोनस इशू ऑफ शेयर में तो मूवमेंट ऑफ़ कैश नहीं होती सिंपली आपकी एंट्री होती है कि रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिटेन टू रिटेन अर्निंग तो ये भी प्रॉफिट सिंपली ट्रांसफर हो रहा है इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा तो इसमें भी कैश की मूवमेंट नहीं है एन इनक्रीज इन द रिवेलूशन रिजर्व ड्यू टू नॉन करंट एसेट अब अगर रिवेलेशन का गेन होता है तो हम कहते हैं कि जी एसेट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस अदर कंपनियांसिव इनकम क्रेडिट तो इसके अंदर भी कैश इन्वॉल्व नहीं है राइट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर कैश इन्वॉल्व होता है क्योंकि कैश डेबिट होता है और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं तो कैश हमारे पास इनफ्लो आ रहा होता है तो इसमें से जो यानी फोर्थ सिचुएशन है दैट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ कैश डी वुड बी आर आंसर नेक्स्ट है जी एन अपार्टमेंट इज रिवैल्यूड अपवर्ड बाई वन मिलियन जो भी वैल्यू थी उसमें इजाफा हो गया इट वॉज एक्वायर्ड फाइव इनगो फॉर रुपीजन लाइफ रिमेन्स एज टेन ईयर व रिवाइज एप्रीसिएशन चार्ज आफ्टर रिवेल्यूएशन तो अब इसमें हमें एसेट की कैरिंग अमाउंट तो पता ही नहीं खाली सिर्फ वन मिलियन के इनक्रीज को कैसे फाइंड आउट करें तो इसमें हम कुछ चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं और वो ये है कि जी ओरिजिनली जो हमने एसेट खरीदा था वो फाइव मिलियन का खरीदा था तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इक्यूमिलेटरी डेप्रिसिएशन क्या बनती है तो फाइव मिलियन के एसेट टेन ईयर से डिवाइड किया एक साल की डेप्रिसिएशन डेप्रिशिए से मल्टीप्लाई किया फाइव ईयरस की डेप्रिसिएशन आगे टू पॉइंट फाइव मिलियन कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें तो फाइव मिलियन में से टू पॉइंट फाइव मिलियन का डेप्रिशिएट हो चुका है तो बाकी भी टू पॉइंट फाइव मिलियन का बच गया क्योंकि हाफ लाइफ गुजर गई और हाफ बाकी है जब इसको रिवेल्यू किया तो वन मिलियन का गेन क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है तो इसका मतलब है अब इसकी वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव मिलियन हो गई और इसकी बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन रिमेनिंग लाइफ तो 10 में से गुजर चुके हैं बाकी फाइव ईयर्स पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पॉइंट सेवन मिलियन और इन अदर वर्ड सेवन हंड्रेड थाउजेंड थर्टी वन क्वेश्चन है अ बिल्डिंग इज अपवर्ड्स रिवेल्यूड अपू मिलियन इट वॉज रिक्वायर्ड फाइव अगो फॉर रुपीज़ टेन मिलियन इट्स यूजफुल लाइफ रिमेन्स सेम एज ट्वेंटी ईयर्स वट इज द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर अब इसको वैसे तो वही बात है कि लॉन्ग कैलकुलेशन करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि पहले देखें प्रीवियस जो है ना डप्रिसिएशन कितनी थी और फिर अब रिवेलिशन के बाद एसेट की वैल्यू कितनी हुई और अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी और दूसरा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट होता है और वो ये होता है कि सिंपली रिवेलिशन सरप्लस को आप रिमेनिंग लाइफ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो अगर हम रिवेलिशन सरप्लस को डिवाइड कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैथड यूज़ होगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर तो हमारे पास तब भी वैल्यू आ जाएगी कि, कि कितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है जो रिवेल्यूशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर होनी चाहिए सो so, जो टोटल रिवेल्यूशन है वो टू मिलियन की है डिवाइड बाय फिफ्टीन ईयर्स लाइफ क्योंकि पाँच साल पहले लिया था और टोटल लाइफ बीस साल है तो रिमेनिंग लाइफ फिफ्टीन ईयर्स है तो हमारे पास आंसर आ जाता है वन पेंटा फाइफ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके बाद थर्टी टू है एन आई बीइंग कैरीड एट रिवेल्यूशन मॉडल हैज बैलेंस ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ड्यूरिंग ईयर इट रिड्यूस इट्स वैल्यू ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोल्यूशन इट हैज रुपीज सेवेंटी थाउजेंड डिक्रीज इन वैल्यू तो टोटल जो हमारा लॉस है वो सेवेंटी थाउजेंड का उसमें से फिफ्टी थाउजेंड हम जो मैक्सिमम है वो चार्ज कर सकते हैं अदर कंप्रीसिव इनकम में क्योंकि सरप्लस का बैलेंस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दैट इज तो इतना ही हम सरप्लस में चार्ज कर सकते हैं लेकिन टोटल लॉस तो ज्यादा है तो रिमेनिंग ट्वेंटी थाउजेंड का लॉस जो है वो चार्ज होगा प्रॉफिट और लॉस में तो इस ऑप्शन uh, की बेस पर द डिक्रीज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड इज डेबिटेड टू रिवेल रिजर्व एंड ट्वेंटी और लॉस फॉर द ईयर दिस इज करेक्ट बाकी ऑप्शन में क्या गलती है इसमें फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट और लॉस लिख दिया ये गलत है द होल डिक्रीज तो होल तो एक जगह पे चार्ज ही नहीं होना तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होंगे द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज से मुराद ये होती है कि जब आप नया नया एसेट इंस्टॉल करते हैं तो शुरू में आपकी इतनी ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रही होती प्लांट जो है वो अपनी फुल यूटिलाइजेशन पे नहीं चल रहा होता शुरू में सेल्स के ऑर्डर्स कम होते हैं तो कम कैपेसिटी पे चलने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती हैं और आपका जो प्लांट है वो उसमें इनिशियल ऑपरेशंस के अंदर लॉसेस आ रहे होते हैं तो इन लॉसेस की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए ये क्वेश्चन है द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इन ड्यूरिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट वुड बी टू तो बेसिकली इनको कैपिटलाइज नहीं किया जाता इनको प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर दिया जाएगा डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज दैट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है टेंजिबल आइटम जो के हेल्प फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हों रेंटल टू अदर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए तो पर्पज इन तीन में से कोई एक होना चाहिए और फिर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम उन्हें होल्ड कर रहे हो तो पहला है जी स्टैंड बाय जनरेटर टेंजिबल आइटम है और स्टैंड बाय जनरेटर अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर यूज होना है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोडक्शन के अंदर और मोर देन वन ईयर की लाइफ है ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल हेल्ड फॉर रीसेल का मतलब है कि इस पर आई एस टू अप्लाई हो जाएगा ये इन्वेंट्री बनेगा तो यही हमारा आंसर होगा लेकिन बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर बस जो है वो एक टेंजिबल आइटम है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रही है लाइफ भी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जनरेटर टेंजिबल आइटम है रेंटल टू अदर्स भी एक वन ऑफ द पर्पज है जो मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में तीन पर्पज है प्रोडक्शन और सप्लाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड रेंटल टू अदर्सल टू अदर्स भी और जनरेटर की लाइफ भी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है तो ये भी प्रॉपर्टी प्लाट इक्विपमेंट है सो बी इज द ऑप्शन की जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंसिडर नहीं होगा तो so, ये हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर थे दैट सॉल्व फॉर टूडे गुड डे